हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट से रिलेटेड अगर बात करें आज की डेट में आज की डेट में दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है ब्रेकआउट शेयर मारुति एज वेल एज बात करें यहाँ पर मिथुट फाइनेंस के रिजल्ट आए थे उसके रिजल्ट और उसके टारगेट से रिलेटेड बातें करी गई है इस वीडियो को देख लीजिएगा हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड uh, बात करें हमारा जो चैनल था बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार वो इन्वेस्ट फॉर एवर हो गया सो डोंट बी कंफ्यूज और अगर किसी को डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना नीचे uh, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करो फ्री में अकाउंट ओपन कराओ तो आपको आपको वहाँ पर फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो अगर हम बात करें कि करके ये कॉन्टोर इंडस्ट्री लिमिटेड के रिजल्ट है ओके एज वेल एज अगर बात करते हैं यहां पर डिविडेंड से रिलेटेड डिविडेंड आई डों इस कंपनी ने कुछ दिया है ये छोटे छोटे शेयर है और यहाँ पर इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है अगर हम देखते हैं टोटल इनकम तो 231 लाख है इससे पहले 228 लाख इससे पहले दो लाख का यहाँ पर रेवेन्यू होता है या टोटल इनकम थी क्योंकि इयरली बेस पर थोड़ी बहुत गिरावट है और क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप नजर आ रही है तो टोटल एक्सपेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर दो करोड़ का एक्सपेंस हुआ है दो सौ उनसठ लाख का इन्वेस्ट एक्सपेंस हुआ है इससे पहले दो सौ लाख इससे पहले दो लाख का यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ, हुआ दिखाई दिया है तो अगर बात करें एक्सपेंस ईरली बेसिस पे तो घटता हुआ नजर आ रहा है बट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर देखिए कंपनी जहाँ पर लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में थी यहाँ नेगेटिव में आ गई है ओके मतलब लॉस में आ गई है और बात कर रहे हैं इससे पहले भी कंपनी लॉस में थी बट और, और अभी और ज्यादा लॉस में आती हुई दिखाई दे रही है जो कि इसका ईपीएस भी बताएगा ईपीएस भी यहाँ पर लॉस में ही दिखा रहा है तो कॉन्टोर किसी के पास शेयर है तो यहाँ पर छोटे छोटे शेयर हैं इनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा अगर इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो अगर बात करते हैं यहाँ पर दूसरी कंपनी तो लाइका लैब Like a lab भी एक pharmaceuticals company आती है। और अगर हम यहाँ पर देखें uh, कि, कि, कितना डिविडेंट दिया तो आई डों कंपनी ने कोई डिविडेंट यहाँ पर अनाउंस किया होगा और अगर किया है तो डॉन माइंड आप प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन uh, में यहाँ पर सॉरी uh, यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं यहाँ पर हम देख लेंगे एज वेल एज बात करें इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है अगर बात करते हैं टोटल इनकम की तो 1866 लाख का यहाँ पर टोटल इनकम इस बार का है अगर बात करें क्यू फोर की तो 1930 लाख का था इससे पहले एक लाख का यहाँ पर टोटल इनकम थी बात करें ईयरली बेस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया बट क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बट क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर भी यहाँ पर गिरावट है और बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ पर देख लीजिए दो हज़ार इकसठ के यहाँ पर एक्सपेंस है इस बार के इससे पहले बाईस सौ से इससे पहले अट्ठारह सौ के यहाँ पर एक्सपेंस थे अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं आफ्टर टैक्स तो कंपनी माइनस से पॉजिटिव में आ गई है मतलब घाटे से प्रॉफिट में आ गई है तेईस लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इससे पहले तीन सौ लाख का यहाँ पर घाटा था इससे पहले नौ सौ बनवे लाख का यहाँ पर घाटा कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा तो है तो अपने को फिर सुधारा और अभी की बात करें तो अब और अच्छा यहाँ पर सुधारा है तो यहाँ पर ईपीएस भी देखिए सात पैसे का यहाँ पर ईपीएस होता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी में दम तो नजर आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एज वेल एज बात करें मदरसन सोमी की आज शेयर किस तरीके से भागा आपको पता ही है और एक सबसे पहले डेट सबसे पहले ही हमने बा, बाई किया था और बताया था यहाँ पर इस शेयर को खरीदिए यह शेयर आपको अच्छा खासा गेन देगा और बात करें यहाँ पर ब्रेकआउट भी नजर आ रहा था और ब्रेकआउट के बाद इसका 400 प्लस के यहाँ पर लेवल नजर आ रहे हैं तो है हमने शॉर्ट टर्म के लिए उसे बाइक किया था तो यहाँ पर आज की डेट में एग्जिट कर दिया है डिविडेंड की बात करें तो डेढ़ का यहाँ पर डिविडेंड दिया और आज लगभग अपर सर्किट लगता हुआ हमें साफ नजर आया था मतलब लग गया था फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर आ गया था शेयर बट कोई इशू नहीं है अगर बात करें यहाँ पर इसके रिजल्ट से तो यहां पर इन करोड़ में यहां पर रिजल्ट है तो यहां पर इसके रिजल्ट ध्यान से देखिएगा देखिए यहां पर टोटल इनकम की बात करें तो बारह सौ इक्यानवे करोड़ का इस बार का इनकम है इस बार इससे पहले ग्यारह सौ बहत्तर इससे पहले बारह सौ सतहत्तर अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट होते हैं मतलब इनकम में यहाँ पर जंप नजर आ रहा है जो कि काफी अच्छी बात है एक्सपेंस की बात करें तो भी बढ़ते हुए नजर ग्यारह सौ सड़सठ करोड़ इससे पहले पैंतालीस इससे पहले नौ कर, uh, करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस था जो कि क्वार्टरली ईयरली बेस पर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की ओके यहाँ पर प्रॉफिट दो तीन तरीके के प्रॉफिट दे रखे हैं अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर

किया है ही अगर बात करें यहाँ पर ईपीएस भी बता देगा अलग अलग ईपीएस यहाँ पर अलग अलग तरीके के दे रखे हैं तो इससे थोड़ा सा आप देख लीजिए uh, तो यहाँ पर देखिए फॉर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नॉट एनुअलाइज तो यहाँ पर चौवन पैसे का ईपीएस इससे पहले चौवालीस पैसे इससे पहले तीस पैसे मतलब कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ परफॉर्म पर, किया और आज इनके uh, अगर बात करें Uh, इनके जो मैनेजमेंट के मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उनका इंटरव्यू भी था तो उन्होंने बताया आगे के प्लान्स भी इनके काफी अच्छे खासे हैं मदरसन जो में ऑलरेडी सबको पता ही है टारगेटिंग अच्छे खासे नजर आ रहे हो और डेढ़ रुपए का एक रूपये बीस पैसे डिफरेंट भी देती हुई कंपनी नजर आ रही है इसके बाद करते हैं एमटार न्यू लिस्टेड कंपनी है पहली बार इसके रिजल्ट आया है और बात करें इसे हमने नौ सौ रुपए भी पकड़ा था और आपको बताया था इस शेयर को खरीदिए नौ सौ के बाद आठ सौ नब्बे के आसपास आया था और फिर उसके बाद जो रैली बनाई है दस बारह पंद्रह परसेंट के रिटर्न दे दिया और इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है तो आपको कल शायद ये और भागता हुआ दिखाई देगा और इसका चार्ट पैटर्न भी काफी खूबसूरत बनता हुआ नजर आ रहा है अभी तो बात नहीं कर पाएंगे बट आगे दे, आगे देखेंगे कभी तो यहाँ पर देखिए फाइनल डिविडेंड तीन का डिविडेंड दिया है और कब मिलेगा तो इसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए सॉरी अगर बात अप्रूव फॉर द मीट ट्वेंटी सेकेंड की जो मीटिंग होगी 30 जून को मतलब इसी महीने में सॉरी नेक्स्ट मंथ में 30 जुलाई को उसके बाद यहाँ पर ये दिया जाएगा डिविडेंड अगर यहाँ पर और कुछ चीज़ों के से रिलेटेड बात करें इनके रिजल्ट से इनके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकम तो यहाँ पर देखिए इस बार के रिजल्टेंट 697 मिलियंस इससे पहले 553 मिलियंस थ्री से पहले 648 मिलियंस मतलब ईयरली बेस पे भी जंप है और क्वार्टरली बेस पर भी जंप है और यहाँ एक्सपेंस की बात करते हैं टोटल एक्सपेंस यहाँ पर एक्सपेंस भी देखिए अच्छे का ईयरली बेस पे और कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं चार मिलियन इस रुपीज इससे पहले चार सौ इससे पहले पांच पे ईयरली बेस पे यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टरली बेस पर थोड़ी बहुत यहाँ पर जंप है और बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते एक सौ मिलियन रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले अट्ठासी मिलियन इससे पहले एटी एट तो ईयरली और क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने काफी 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 बेहतरीन परफॉर्मेंस किया मतलब हंड्रेड अगर बात करें लगभग लगभग आ, अगर बात करें 92 टू मिलियंस का यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट मतलब टू एक्स से भी ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ईपीएस बता देगा इस बार का ईपीएस 6.65 है इससे पहले तीन रुपए के आसपास ईपीएस चला कर रहा तो इस कंपनी के साथ बने रहना काफी बेहतरीन रिजल्ट दिए मुझे लगता है कि बारह सौ तेरह सौ रुपए बहुत जल्दी हिट करने वाला है तो ध्यान से थोड़ा सा पेनाशिया या बायोटेक आपको पता ही है ये शेयर कितना भागा है और इसमें से इन आधार पूना वाला की होल्डिंग थी वहां से उन्होंने निकाल लिया है अपनी होल्डिंग्स इसके रिजल्ट से रिलेटेड अगर बात करते हैं ओके तो यहाँ पर देख लेते हैं एक मिनट नीचे आ जाते हैं हाँ तो इन लेक्स में यहाँ पर रिजल्ट स्टैंडोलॉनी रिजल्ट देख लेते हैं टोटल इनकम की बात करें एटी सेवन सिक्सटी सेवन ये लैक्स में या करोड़ में एक बार देख लेते हैं इन लैक्स में तो यहाँ पर देखिए एटी से uh, मतलब आठ हजार सात सौ इकसठीज का इनकम हुई है इस बार इससे पहले सात हजार छह सौ उन्नीस था इससे पहले आठ हजार चार सौ uh, सत्तावन तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है uh, uh, इनकम में टोटल एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस इस बार ज्यादा होते हुए दिखाई दी है टेन थाउजेंड फोर फोर्टी के इससे पहले सात हज़ार चार सौ अट्ठाईस के इसके पहले नौ हजार एक सौ उन्नीस के तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर एक्सपेंसिव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे जिसका आ, सीधा मतलब है कंपनी यहाँ पर घाटे में चल रही है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यू एंड कंटिन्यू ऑपरेशन या डिसकंटिन्यू या कोई भी देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कंपनी अठारह सौ इकतीस प्रॉफिट में थी एक सौ नब्बे इससे पहले सोलह सौ पैंतालीस तो यहाँ सब थोड़ा सा दूर रही है और इसमें प्राइसिंग भी बहुत सारा है मैंने यहाँ पर देखा था ये शेयर अभी भागता हुआ नजर आ रहा था इसलिए मैंने कभी लेने की भी नहीं सोची और तो इसका ईपीएस भी नेगेटिव में है तो पनाशिया बायोटेक से दूर रही है एज well बात करते हैं यहाँ पर रत्ना रत्नामनी मेटल्स एंड ट्यूब्स तो मेटल ट्यूब्स किस तरीके से चले हैं आपको पता ही है तो 14 रुपीस का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस करते हुए दिखाई दिए और अगर बात करें यहाँ पर इसके रिजल्ट से रिलेटेड तो थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा हमें और यहाँ पर इसके रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई देंगे हाँ एक मिनट तो इसके रिजल्ट अगर हम देखें अगर हम यहाँ पर देखें यह क्वार्टर ईयरली बेसिस पे अगर मैं आपको बता ये तो ऐसा है एक मिनट यहाँ पर रिजल्ट आई थिंक दे ही नहीं रखे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देखें अगर सीधे यहाँ पर क्वार्टरली एंडेड अगर प्रॉफिट की ही हम बात कर लेते सीधे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर टेन थाउजेंड नाइन थर्टी नाइन ओके इन लैक्स का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है इससे पहले छः हजार था इससे पहले सड़सठ सौ चौतीस लैक्स इन रुपीज था तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे इस कंपनी ने भी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है तो इसके साथ भी देखते बने रहिएगा यहाँ पर इसके रिजल्ट आई थिंक पूरे के पूरे आए नहीं है इस वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है बट नो इशू रतना नम रत्नामणि इस कंपनी का नाम है मेटल्स एंड ट्यूब्स एज वेल एज बात करते हैं रेद्दी सिंथेटिक लिमिटेड की तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके रिजल्ट से रिलेटेड बात तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर ये यह जो रिजल्ट है यहाँ पर इन आ, इन लैक्स में दे रखा है या करोड़ में दे रखा है ये देखना पड़ेगा चलिए ये छोड़िए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर टोटल इनकम की बात करते हैं तो माइनस में यहाँ पर इनकम नजर आ रही है इस बार की इससे पहले पॉजिटिव में यहाँ पर इनकम हुआ करती थी और एक्सपेंस भी ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कंपनी यहाँ पर घाटे में चल रही है जो कि ईपीएस भी बता रहा है बारह रुपये का यहाँ पर माइनस में ईपीएस है इससे पहले पॉजिटिव पाँच रुपये का ईपीएस है इससे पहले दो रुपये इक्यावन पैसे का ईपीएस था तो इस कंपनी से दूर रहिएगा कंपनी का नाम क्या है कंपनी का रिद्धि सिंथेटिक लिमिटेड है एज वेल एज बात करते हैं सॉरी एग्रो इक्विपमेंट की तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस कंपनी uh, से रिलेटेड और uh, यहाँ पर रिजल्ट तो यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है और यहाँ पर देखिए टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो एक हजार एक तीस लैक्सेंट रुपीज से पहले एक हजार उन्नीस था इससे पहले चौदह सौ पचपन तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी जंप यहाँ पर नजर आ रही है जो कि ना के बराबर है टोटल एक्सपेंस की बात करें आठ सौ उनतालीस लैस रुपीज से पहले ग्यारह सौ तेईस था इससे पहले चौदह सौ अट्ठावन यहाँ पर एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस में यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है जो कि इनके लिए काफी अच्छी बात है और यही पूरी किस्सा बदल देगी अगर बात करें यहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पी यहाँ पर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं तो एक लाख से रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इससे पहले चौहत्तर लाख का यहाँ पर नुकसान था इससे पहले 2 लाख रुपए के आसपास का नुकसान था तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा इसका देख लीजिएगा एक बार चेक करिएगा

चेक हो तो, इनलेक्स में पर बात इनकम थी इससे पहले तीन लाख के आसपास यहाँ पर इनकम थी तो ईयरली और क्वार्टरली बेस में यहाँ पर इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस बहुत ज्यादा हुए मतलब इक्कीस लाख का एक्सपेंस लाख का दस लाख कंपनी लॉस में आई थिंक यहाँ पर देख लीजिए इपीएसबी लॉस में है, तो कंपनी लॉस में ही है सत्रह लाख का एक महीने सात लाख का लॉस है इससे पहले छह लाख का लॉस था इससे पहले सात लाख रुपए का लॉस था तो कंपनी लॉस में ही चल रही है तो इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा क्या नाम तो इस है इसका रिद्धि आई थी नाम है सॉरी वारी तो इससे दूर रहिएगा और बात करें यश मैनेजमेंट एंड सैटेलाइट लिमिटेड तो इससे रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा हमें थोड़ा सा थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनके रिजल्ट है ये देख लीजिए इन लैक्स में ये रिजल्ट है और अगर देखते हैं ये टोटल इनकम तो इस बार की जो टोटल इनकम है 145 लाख का है इससे पहले भी 145 ही थी इससे पहले 18 लाख के आसपास थी तो ईयरली बेस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया बट क्वार्टरली बेसिस पर लगभग फ्लैट है थोड़ा बहुत ही मतलब कुछ थाउजेंड रुपीज़ का फर्क आएगा अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस इस बार ज़्यादा होते हुए दिखाई दी एक लाख अट्ठाईस रुपीज़ जो कि पहले बत्तीस लाख था इससे पहले बारह लाख था और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो सत्रह लाख का प्रॉफिट इससे पहले एक था इससे पहले पाँच लाख और इससे पहले अगर बात नेट प्रॉफिट फोर पीरियड की तो 21 लाख ,00 का प्रॉफिट इस बार है एक सौ एक सौ चार लाख 8 लाख ,00 का प्रॉफिट एक साल पहले था तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म इलीसिस बट तो क्वार्टरली बेसिस पे भारी गिरावट है ईपीएस बता देगा चार पैसे का ईपीएस है एक साल पहले नेगेटिव में ईपीएस था अगर बात करें यहाँ पर पचासी पैसे का ईपीएस यहाँ पर एक लास्ट क्वार्टर में था तो कंपनी ठीक ठाक है यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा इसका और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए इन कंपनी से रिलेटेड कुछ के रिजल्ट यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट थे इसलिए हमने वीडियो बनाई थी अगर बात करें यहाँ पर सोमी लाइक के भी रिजल्ट अच्छे हैं यहाँ पर दो तीन कंपनी और एमटार के रिजल्ट काफी बेहतरीन है तो इन वीडियो को जाके देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगी और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर को सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर प्लेस